हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। और अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो भी कर लें, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल, क्यों बाबा। और यार, हमारा एंटरटेनमेंट चैनल है, उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उनके चैनल को सब्सक्राइब जाकर आप लोग करें, हमारे वहाँ पर भी काफी यूनिक सब्सक्राइब करें और दिलचस्प वीडियो। बिल्कुल यार, मजेदार के रिएक्शन उस पर निकल कर आ रहे। तो यार, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार, मतलब 19 साल की उम्र में इंडियन सोल्जर ने 17 गोलियां खाने के बाद भी टाइगर हिल को जीत कर लाए। अच्छा, देखते हैं वजात के क्या नाम था इनका। देखते यार, हैं। जो गिंदर इनका नाम था। अच्छा। और इसमें कोई शक नहीं यार, देखो कारगिल में अपने अपने हीरोज निकल कर आए हैं पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अब इनकी स्टोरी सुनते हैं कि इनका क्या सीन। बिल्कुल। तो यार, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजम के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। आज परमवीर चक्र के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं करगिल युद्ध के एक ऐसे हीरो की। अच्छा। जिसने मौत को चकमा दी। अच्छा। दुश्मन की 17 गोलियां खाई। 17 गोलियां, लेकिन कैसे मौत से जंग जीत। जबरदस्त। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं करगिल युद्ध के हीरो परमवीर चक्र विजेता। अच्छा। ब्रिगेडियर योगेंद्र यादव का जन्म 10 मई 1980 को बुलंदशहर के औरंगाबाद के अहिर गांव में हुआ। अच्छा, अच्छा। योगेंद्र के पिता का नाम करण सिंह था, जो खुद भी सेना का हिस्सा है, जिन्होंने खुद भी 1965 के भारत पाक युद्ध में हिस्सा लिया। अच्छा। 1965 में हुए भारत पाक युद्ध में पिता के अनुभवों को सुन योगेंद्र बड़े हुए, जिसके बाद सिर्फ 16 साल की उम्र में योगेंद्र सेना में शामिल। अच्छा। सेना में आने के बाद ही योगेंद्र को ग्रेनेडियर्स में शामिल होने का मौका। अच्छा। बहुत कम अनुभव होने के बावजूद साल 1999 में 19 साल भाई, ये देखो ना, छोटी उम्र में ही युद्ध में जाने का मौका मिला। छोटी उम्र में जाने कामयाबियां बहुत मिलती हैं। ऐसे साबित किया जो आज भारतीय इतिहास। अबे वो उसकी तस्वीर देखी थी, किस तरह गोलियां लगी हुई थी। 4 जुलाई 1999। बस यार, वतन की खातर सब कुछ कुर्बान। योगेंद्र अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूरी तय करने के बाद दुश्मनों को जवानों के आने की खबर। अच्छा। तो पाकिस्तानी सैनिकों ने जवानों पर हमला शुरू कर दिया। वहीं हमला होते हुए देख भारतीय सेना ने अपनी युद्ध नीति में कुछ बदलाव किया, जिसके बाद दुश्मनों का सामना करते हुए भारतीय जवान टाइगर हिल के पास पहुंच चुके थे। रस्सियों का सहारा लिए, बंदूक पीठ से बांधे सैनिक अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे कि फिर पाकिस्तानी सेना ने हमला शुरू। भाई जाहिर सी बात, उनके ऊपर कब्जा था। मौजूद हमला तो करना था ना। अब तक ग्रेनेडियर योगेंद्र को भी ये गोलियां लग चुकी थी। उस समय योगेंद्र एक युद्ध दुश्मनों से लड़ रहे थे और एक युद्ध मौत से। दुश्मनों को लगा योगेंद्र मर चुके हैं, पाकिस्तानी कुछ समझ पाते। उससे पहले ग्रेनेडियर योगेंद्र ने अपने जेब में रखे ग्रेनेड की पिन हटाई और पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ फेंक दिया, जिसमें दुश्मनों का नामो निशान मिट गया। अंदाजा लगा योगेंद्र का खून काफी बह चुका था। बेसुध हालत में योगेंद्र एक नाले में जा गिरे। अच्छा। जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने उन्हें बाहर निकाला। अच्छा। और इस तरह से उनकी जान, मतलब जिंदा रहे हैं वो। पूरे ऑपरेशन में 4 जुलाई 1999, आजकल एक गोली लग जाए कोई जिंदा नहीं रहता, टाइगर हिल को कब्जा मुक्त कराया। अच्छा। तो कुछ भाई हीरो है ये। पराक्रम मेन योगेंद्र यादव ने दिखाया और इसी पराक्रम के कारण उन्हें परमवीर चक्र, जो सर्वश्रेष्ठ सैन्य सम्मान है। अच्छा। उससे उन्हें बहुत बड़ा अवार्ड है। ना। उनके किस्से आज भी जब कोई सुनता है तो रोंगटे। यार वाकई में मैं यकीन नहीं आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। वो भारत तक पर मौजूद। अच्छा। है। आप उनसे हमारी पूरी बातचीत भी देख सकते हैं। तो ये कहानी थी परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव की। यार मतलब कि काफी ये किस्म की ना यकीन करने वाली कहानी। तो भी आने 17 गोलियां अगर लग जाए 19 साल की उम्र में। अबे आजकल एक गोली लग जाए बंदे का बचना मुश्किल हो जाता है। तो मतलब 17 गोलियां फिर भी जिंदा रहे, एक खाई में गिर गए ना। और उसके बाद फिर इनका इलाज और तस्वीरें भी आई थिंक इनके बाजू में लगी। बाजू में, टांगों में भी लगी। यार मतलब फिर भी बाबा खून ज्यादा। यार वतन की खातिर फिर
फौज जो तो पता है आपको जान की कुर्बानी देती है, जज्बी ऐसे होते हैं, जज्बी ऐसे होते हैं। देखो आपकी फौज हो या हमारी फौज हो, जो इनकी स्टोरीज हैं वो देखो, मतलब इंडिया वाले भी तारीफ करते पाकिस्तानी सोल्जर्स की और पाकिस्तानी भी इंडिया की करते, जिस तरह इन्होंने जंग में पार्टिसिपेट किया, लड़े कारगिल की बाबा खास तौर पे, काफी मतलब शेर खान हो गया और बताया और हो गया, वो तो सारी एक आर्मी वाले करते हैं दूसरे की बात यार, चाहे इंडिया की आवाज हो चाहे पाकिस्तान की आवाज हो, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए सब कुछ जान कुर्बान करते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से भाई इन्होंने किया, मतलब 17 गोलियां खाने के बाद, मतलब इनके जेब में ग्रेनेड तो जैसे तैसे करके वो उधर किया, और जिसकी वजह से टाइगर इनको मैन भाई हीरो यही है, इन्होंने आजाद कराया, ये बनता है मतलब फाइनली फाइनलाइज इन्होंने किया था, फिर इनको बड़ा अवार्ड भी दिया। बिल्कुल, और बाबा जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान की आर्मी ऊपर थी, अब जो हुआ है वो तो जाहिर सी बात हकीकत है ना, अब जो मतलब कि ऊपर थी, ऊपर से जायज बात फायर करना बहुत ही नीचे, मतलब नीचे के लोगों को बहुत डिसएडवांटेज होता है क्योंकि वो नीचे होते हैं, उनको ऊपर की तरफ इतना नजर नहीं, ऊपर से आसानी से बंदा हमला कर सकता है, आराम से नीचे से मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, फिर उसके बावजूद इन्होंने लड़ा और भाई एक मिसाल कायम की, काम की, और मैंने इनका वैसे नाम सुना हुआ है, बिल्कुल सुना हुआ है मैंने, उसके दौर वीडियो बनाई थी जब कुछ किया था, कुछ सुना हुआ है। हाँ बिल्कुल, वो मतलब के 17 गोलियां खाने के, बिल्कुल ये सुना हुआ वजह, वही ना, बिल्कुल ये चीज वही मेरे बाद यार, अपनी वतन की खातर सब कुछ कुर्बान करते हैं। और भाई वो जब इनको ऑपरेशन गोली शुरू, अपने वो यहाँ से यूं करके वो दिखा, देखो भाई फौजी बहुत बहादुर होते हैं ये, और भाई ये ओ भाई मतलब ये जिंदा बंदा कैसे, मैं तो ये गोली भी लग जाए तो ये उस चीज को बांध देते हैं पट्टी से, वो देख है ना, लेकिन बाबा वो जंग की सिचुएशन उसके अंदर तो टाइम भी नहीं मिला, जो आर्मी वाले फिर आके चेक करते हैं कोई जिंदा भी है कि नहीं, इसने मतलब कि अपने आप को मारने का ढोंग किया, और फिर वो जब थोड़ा सा आगे गए इन्होंने ग्रेनेड निकाल कर उनको, फिर ये खाई में गिरे, फिर इनको उठा के लेके गए। ऐसी बात है, मतलब आर्मी वाले आते हैं ना वहाँ पे चेक शेक फिर करते हैं कि भाई कौन जिंदा है, कौन नहीं है, कितने जख्मी है, इंडियन आर्मी की तरह से फिर आए होंगे उन्होंने, देखो फिर मेडिकल की सहूलतें देते हैं ना, वजह जो सहूलत उनके पास मुयसर हो, नहीं फिर तो भाई जाहिर सी बात है जो जिंदा हो उसको तो भाई फिर आगे शिफ्ट करते हैं कि मतलब इनका ऑपरेशन हो, बिल्कुल ये ठीक हो भाई, क्यों सही बात है, वजह से देनी पड़ती है ना नजदीक को, नजदीक हॉस्पिटल और देखो ना ये फिर बात करते मिलिट्री के जो हॉस्पिटल होते हैं ना वो करीब ही बनाए होते हैं जंग की हालत में, आज ये फैसिलिटी मिलती है, आज ये ऑपरेशन बढ़ा सब कुछ ये चीजें नजर रखनी पड़ती है ना। और बाबा देखो ना मतलब डॉक्टर ने भी 17 गोलियां इनसे निकाली होंगी, वो भी भाई एक अंदाजा बिल्कुल लगाओ ना, बिल्कुल वजह निकाल, आपको पता 17 गोलियां एक आदमी से निकले तो उसका क्या हाल होगा, खून कितना बह, और कह रहे थे कि खून भी भाई बह चुका है, बहुत ज्यादा बह चुका था उस टाइम, तो यार आप लोग बताएं यही है कि ये जंग नहीं हो यार, सही था भाई, उल्टा नुकसान ही है भाई इन चीजों के। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, इधर वीडियो खत्म करते हैं, आप लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।